श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूं आपकी शिव भक्त प्रीति। आज मैंने पशुपति व्रत की संध्या पूजन की जो विधि है, थाली में क्या रखना है, पूजन कैसे करनी है, संपूर्ण विधि आपके लिए लेके आई हूं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है थाली में रखने वाली चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले थाली में वही चीज़ें रहती हैं जो सुबह हम थाली ले गए होते हैं और जो पूजन की सामग्री बच जाती है। बस हमें इसमें 6 दिए अलग से ले जाने हैं और कुछ मीठे का प्रसाद बनाना है। जैसा कि आप इस थाली में देख रहे होंगे, ये थाली मैंने तैयार की है। सुबह का बच्चा हुआ कुमकुम रोली, अच्छत चावल, भस्म सब कुछ है, सिंदूर है, बेलपत्र फूल सुबह का ही बचा हुआ है। मैंने शाम को बस 6 दिए लगा लिए हैं और हलवा, सिंघाड़े का हलवा मैंने बनाया है। हलवे का प्रसाद रख लिया है मैंने। ये सिंदूर है, मैं आपको उंगलियों से भी दिखा रही हूँ। ये रोली है, ये पीला चंदन है, ये लाल चंदन है, और उसके बगल में भस्म है, और उसके बगल में गुलाल है, और ये 6 दिए हैं। ठीक है, आपको अपनी पूजा की भी थाली ऐसे ही तैयार करनी है। और इसे और एक लोटा जल भी है, मैंने जल थाली में रखने की जगह नहीं थी तो मैंने साइड में रख रखा है। आप इसे उठाएंगे और लेकर के मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अच्छा होगा कि आप इसे ढककर ले जाएं। ठीक है, प्रसाद को, पूजन की थाली को हमेशा ढक कर के ही ले जानी चाहिए। मैं आपको पूरा कैमरा घुमाकर दिखा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि आखिर क्या क्या है पूजा की थाली में। ठीक है, और इसके बाद शिवालय जाएं, वहाँ जा कर के मंदिर में सबसे पहले जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो भी कुमकुम रोली चंदन अच्छा चावल है उसको समर्पित करना है, पुष्प समर्पित करना है, बेलपत्र समर्पित करना है। इसके बाद अपने 6 दियों को एक एक करके नीचे उतारना है, मतलब वहाँ लगाना है। इसके बाद पहले दिए को जलाते हुए अपनी मनोकामना करनी है, बाबा से निवेदन करना है। इसी क्रम में 5 दिए जलाने हैं और अपना मनोकामना भोले बाबा को करते जाना है और उनसे निवेदन करते जाना है। इसके बाद जो प्रसाद ले गए हैं उसके 3 हिस्से बनाएं, 2 हिस्से वहीं मंदिर में छोड़ आएँ और 1 हिस्सा वापस घर लेके चले आए। जो हिस्सा आप घर लेकर के आएंगे उस प्रसाद को केवल आपको ही खाना है। और प्रसाद खाते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रसाद हमेशा ज़मीन पर बैठ करके ही खाना है, खड़े खड़े चलते फिरते नहीं खाना है। अगर कोई भूल हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना करनी है। ये देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। जय जय जय।